हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो ये जो 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी ना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो पिछले कई दिनों से ना मैं कई चीज़ों को एनालाइज़ कर रहा था, कई लोगों से मिला, कई लोगों से मैंने बातचीत की, और वो जो स्पेशलिस्ट हैं CBSE के एकेडमिक टीम के मेंबर्स हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई, उस बातचीत में मेरे को एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिली है कि CBSE क्या करती है ना, CBSE की एक एकेडमिक टीम होती है। इस टीम के जो मेंबर होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय के मेंबर हो गए और जो टॉप प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, उनके टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स क्या करते हैं, वो टीचर्स की टीम होती है जिसे हम CBSE की एकेडमिक टीम बोलते हैं। और उस टीम को CBSE की तरफ से खास इंस्ट्रक्शन होते हैं पेपर बनाने के लिए, कि आपको ऐसे पेपर बनाना है जिसमें NCERT के क्वेश्चन 20 से 30% डायरेक्ट आए, ठीक है, और पेपर का पैटर्न भी हमारे लेवल का होना चाहिए और प्रीवियस इसके क्वेश्चन भी उसमें होने चाहिए और बच्चा वो आराम से कर पाए। लेकिन इस चीज़ों को ध्यान में देखें ना, तो वो जो टीम होती है ना, लगभग हर साल सेम रहती है, ठीक। तो जब आप पेपर देख रहे होंगे, आपने पिछले साल 19 का देखा होगा, 18 का देखा होगा, तो क्वेश्चन के लेवल आसपास रहते हैं, एक आध चेंजेस होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो पेपर में थोड़ा बहुत चेंजेस ही वो करते हैं, क्योंकि टीम वही रहती है, थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं। क्योंकि जब वो पेपर बना रहे होते हैं ना, वो 5 से 10 सेट बना रहे होते हैं और उन्हीं में से थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो फिर से दे देते हैं। तो इस बार क्या प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि CBSE ने ना इस बार अपने पेपर पैटर्न को थोड़ा चेंज किया है। आपको पता है, जैसे ही पेपर पैटर्न चेंज किया, हमारे सिलेबस में केस स्टडी की प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब CBSE वालों को पेपर बनाने के लिए दिया गया, अब वो जब वो पेपर बना रहे हैं तो CBSE के सामने अब बड़ी मुसीबत ये आई कि जो केस स्टडी की प्रॉब्लम है वो ना तो प्रीवियस क्वेश्चन में है, ना ही NCERT में है, है कि नहीं। तो वो क्वेश्चन कहाँ से रखें, ठीक है। तो इस चीज़ की दुविधा को दूर करने के लिए CBSE ने CBSE की एकेडमिक टीम को एक हेल्प दी, और वो चीज़ मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, बाई प्रूफ बताऊंगा। CBSE का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर आपने देखा है ना, जो CBSE ने खुद रिलीज़ किया है, उसके जो केस स्टडी की प्रॉब्लम है, काफ़ी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली PISA से पूछे गए हैं। अब आप बोलेंगे सर ये PISA क्या है, तो मैं आपको PISA का मतलब भी बताऊंगा, ठीक है। और जो पेपर बनाते हैं, मैंने अभी आपको बोल भी दिया कि CBSE बोलती है कि जो क्वेश्चन पेपर आप सेट करोगे उसमें से क्वेश्चन जो होने चाहिए 20 से 30% आपके डायरेक्ट NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए, ये भी CBSE बोलता है। तो PISA की अगर बात करें, व्हाट इज़ PISA, PISA का मतलब होता है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये PISA क्या करती है, PISA का जो काम होता है ना, जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स होता है उनके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना होता है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। अगर आप केस स्टडी की प्रॉब्लम को देखें तो उसमें ऐसे नहीं है कि बच्चा जाके तुरंत सॉल्व कर देगा, उसको चीज़ें पहले देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, एनालाइज करेगा, तब जाके वो चीज़ों को सॉल्व कर पाएगा, है ना। तो दिमाग का यूज़ करना है, ठीक। तो अब केस स्टडी प्रॉब्लम बनाना है, CBSE ने बोल दिया कि यहाँ से हेल्प लो, तो PISA के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो ऑफिशियल सैंपल पेपर में था, और ऐसे क्वेश्चन ही CBSE रिकमेंड करता है। CBSE ने बोला कि भाई तुम जब सैंपल पेपर बनाओगे तो ऐसे करना, और इस चीज़ की खबर एक पब्लिशर को लग चुकी थी, ठीक है। अगर आप देखो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर को पहले से ही प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपकी कॉन्फिडेंस को वो बूस्ट ही करेगा। मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ भी दे रहा हूँ, देखना आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो क्या होगा ना, PISA के जिससे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस को एक एजुकेटर ने पहले से ही न्यूज़ को जान लिया था, ये एक बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उसने अपने सैम्पल पेपर में ना इसके जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट वहाँ पर रखा, ठीक है, और जो क्वेश्चन CBSE पूछेगा उस टाइप के क्वेश्चन, NCERT के प्रीवियस के क्वेश्चन अगर जिस सीजन पे चल रहा है उसी हिसाब से रखा है। अगर आप इस बुक को पढ़ते हो, ठीक है, इस बुक को पढ़ते हो और एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आपको लगेंगे कि यार ये सारे क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन मेरे को देखे हुए, 40 to 50% क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और CBSE में जो केस स्टडी का प्रॉब्लम है ना, वो आपका 20% घेर रहा है। तो केस स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, और मेरे को बहुत बच्चों की शिकायत आ रखी है कि सर हम केस स्टडी में लैग कर रहे हैं, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम दे के वो बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर दूर करना है तो सबसे बेस्ट पब्लिशर मैं बोलूँगा ये अभी एडुकार्ट है। एडुकार्ट ने सबसे पहले पता लगा लिया इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आप एडुकार्ट एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है, मेरे पास खुद, मैंने इसका रिव्यू किया था कुछ दिन पहले, तो आप खुद देखो उसके जो
उसके जो क्वेश्चन है ना वो लाजवाब है, शानदार है। मैं आपसे पर्सनली, आप बड़े भाई के तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने किसी दूसरे पब्लिशर की बाय कर रखी है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है? आप, मैं पहले बता चुका, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं अपने एंड से आपको बता रहा हूँ एक बड़े भाई होने के नाते, क्योंकि आप मेरे फैमिली के, मैं आपको फैमिली मानता हूँ और फैमिली में मैं अपने को बड़ा भाई मानता हूँ, आप मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो, तो मैं आपको बेस्ट सजेशन ही दूंगा। अगर आपने कोई दूसरे पब्लिशर की बाय कर रखी है, नो डाउट वो भी सही है, लेकिन परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, कोई भी हमसे कमी ना रह जाए, उसके लिए आप इसको बाय कर सकते हो। अभी शायद डिस्काउंट में भी चल रहा है, अभी हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं, इन 2 महीनों में इस बुक को पढ़ो और फोड़ दो, ठीक है? कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और बाकी चीज़ें तो चल ही रही हैं, एनसीईआरटी हमारी ख़त्म हो चुकी है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बेस्ट बाइंग लिंक, जहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप परचेज़ कर लेना, ठीक है? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हर जगह शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।